कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्वी राजस्थान के लिए जो हमारी एक जीवन दयनीय ईआरसीपी की योजना इसको लागू भी करेंगे, समझौता करके लेकर के भी आएंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि हमने 1.5 महीने के अंदर उस योजना को लाने का भी काम किया और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इस 5 साल में उसको मूर्त रूप देने का काम भी करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कभी भरतपुर जिला और ये पूर्वी राजस्थान के जिले ये पानी से परेशान रहते थे, 3-3, 4-4 नदियां इसमें आती थी, रूपारेल आती थी, गंभीर आती थी और बाणगंगा नदी आती थी, कुकंद नदी आती थी, लेकिन अब हम पानी के लिए परेशान था हमारा ये पूर्वी राजस्थान। आपकी एक वोट ने, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था और आपने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बैठाया, आपके उस वोट ने, आपके उस एक वोट ने कमाल करके दिखाया है कि 1.5 महीना के अंदर ये योजना आपके बीच में आ गई। जल्दी उसका माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे और आपसे वायदा करते हैं कि 5 साल के अंदर हर घर में जल भी आएगा, हमारा बांधों में पानी भी आएगा, हमारे तालाबों में भी पानी आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारा स्वागत और सम्मान किया है, हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे रखी है उनको भी पूरा करेंगे। हमने वादा किया है 70,000 युवाओं को रोजगार देंगे, हम रोजगार देने का भी काम करेंगे। किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, एमएसपी बढ़ाने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया और आगे भी देखते जाइए होता है क्या, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।